उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों में शामिल लखीमपुर सदर में 2017 में हुए चुनाव के नए परिसीमन के बाद 2 नगर पंचायत और 3 ब्लॉक को जोड़ा गया था। तब इस विधानसभा में मतदाताओं की संख्या 3,92,847 थी, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,09,322 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,83,508 थी। लखीमपुर विधानसभा सीट पर 2 दशकों से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। 2017 में जब पीएम मोदी के नाम पर विधानसभा चुनाव हुआ, तब ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते से बीजेपी के खाते में चली गई थी। यूं तो हर सीट राजनीतिक पार्टियों के लिए खास है, लेकिन लखीमपुर खीरी जिले की सदर विधानसभा सीट का अपना महत्व है। उत्तर प्रदेश के अवध प्रांत के तराई क्षेत्र की ये विधानसभा खीरी लोकसभा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये इलाका गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है। इस सीट पर जनसंघ के जमाने से अब तक कुर्मी बाहुल्य होने के नाते कुर्मी ही चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी से डॉक्टर कौशल किशोर लगातार 3 बार चुनाव जीते, जिसमें तीसरे कार्यकाल के दौरान उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद उनके पौत्र उत्कर्ष वर्मा ने उपचुनाव में जीत हासिल करके 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जीत हासिल की थी। 2022 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर समाजवादी पार्टी ये सीट हासिल करने के लिए जोर आजमाइश करती नजर आ रही है। वहीं भाजपा इस सीट पर अपना कब्जा बनाए रखने की कवायद में जुटी है। बसपा और कांग्रेस भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने की लड़ाई लड़ते दिख रहे हैं। लखीमपुर विधानसभा के लिए 1951 से लेकर 2017 तक चुनाव हुए हैं। पहले विधानसभा चुनाव में इस सीट का नाम लखीमपुर दक्षिण था, तो कांग्रेस के छेदालाल चौधरी ने यहां पर जीत हासिल की थी। 1957 में प्रसोपा के शिव प्रसाद ने कांग्रेस की गोदावरी को शिकस्त दी थी। 1962 में इस विधानसभा सीट का नाम खीरी हो गया था, जिस पर कांग्रेस के टुन्नू सिंह ने जनसंघ के चेतराम वर्मा को हराकर जीत हासिल की थी। 1967 में हुए विधानसभा चुनाव में जनसंघ के चेतराम वर्मा को जीत हासिल हुई थी, जिसमें निकटतम प्रतिद्वंदी ए अली प्रसोपा के रहे थे। 1969 में हुए उपचुनाव में एक बार फिर ये सीट कांग्रेस के तेज नारायण त्रिवेदी ने जनसंघ के चेतराम वर्मा को शिकस्त देकर हासिल की। 1974 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दोबारा ये सीट बचाने में कामयाब रही, दोबारा तेज नारायण त्रिवेदी ने जीत हासिल की थी। 1977 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी ने जिले के नामी अधिवक्ता नरेश चंद्र वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व राज्य वन मंत्री जफर अली नकवी को शिकस्त दी थी। 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जफर अली नकवी ने अस्तित्व में आई भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे अधिवक्ता नरेश चंद्र वर्मा को बड़े अंतर से शिकस्त दी थी। 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कांति सिंह बिसेन ने लोकदल के डॉक्टर कौशल किशोर को शिकस्त दी थी। 1989 में कांग्रेस के जफर अली नकवी ने जनता दल के डॉक्टर कौशल किशोर को शिकस्त दी। 1991 के विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रामगोपाल वर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार जफर अली नकवी को शिकस्त दी थी। 1993 में भाजपा ये सीट बरकरार रखने में कामयाब रही, वहीं समाजवादी पार्टी के मुजफ्फर अली को हार का सामना करना पड़ा। 1996 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के डॉक्टर कौशल किशोर वर्मा ने भाजपा के रामगोपाल वर्मा को शिकस्त दी। 2002 में समाजवादी पार्टी के डॉक्टर कौशल किशोर ने सीट बरकरार रखते हुए शक्ति दल के ज्ञान प्रकाश वाजपेयी को मामूली अंतर से हरा दिया। 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के डॉक्टर कौशल किशोर अपनी जीत तीसरी बार बरकरार रखने में कामयाब रहे। वहीं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे ज्ञान प्रकाश वाजपेयी को हार का सामना करना पड़ा। 2012 में डॉक्टर कौशल किशोर की आकस्मिक मृत्यु के बाद समाजवादी पार्टी ने उनके पौत्र उत्कर्ष वर्मा को मैदान में उतारा, जिसमें तीसरी बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट से लड़ रहे ज्ञान प्रकाश वाजपेयी को भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा। 1996 के बाद भारतीय जनता पार्टी इस सीट को पाने के लिए बेताब थी। बीजेपी ने छात्र राजनीति से आए योगेश वर्मा पर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा।
भारतीय जनता पार्टी ने जिले की सभी सीटों के साथ इस सीट पर कब्जा जमाते हुए समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा को रिकॉर्ड मतों से शिकस्त दी। वहीं बहुजन समाज पार्टी के शशिधर 39,068 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे। 2017 विधानसभा चुनाव में वोटों की संख्या की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के विजयी विधायक योगेश वर्मा को 1,22,677 वोट मिले थे। वहीं निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा को 84,929 मतों से संतोष करना पड़ा। 2017 के चुनाव का मत प्रतिशत 64.97 था, जबकि जीत का मार्जिन प्रतिशत 14.77 रहा। इस बार यहां की जनता किसको अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बार सदर सीट को फिर से अपने कब्जे में करने के लिए बेताब है।